नमस्कार, भारत लाइव ही देख रहे हैं आप। बिहार में पिछले कुछ दिनों का अगर आप यादों का पन्ना उल्टा करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि किस तरह से बिहार राज्य में आपराधिक वारदात बढ़ रही है। और इसी सिलसिले में जब बिहार में होली के दिन मधुबनी नरसंहार जैसा कांड हो जाता है, जो मधुबनी के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के महम्मदपुर गाँव में घटित होता है, जिसके बाद सभी समाज जो है राजपूत समाज के सभी लोग काफ़ी आक्रोशित हैं। साथ ही साथ जो भी विपक्षी पार्टियां हैं वो भी आक्रोशित हैं। आपको बता दें कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष साथ ही साथ राजद के कदावर नेता तेजस्वी यादव अपने और लोगों के साथ, राजद के कदावर नेता जो श्याम रजक हैं, सुनील सिंह MLC हैं, सब और भी बहुत सारे कदावर नेताओं के साथ वहाँ घटनास्थल पर पहुँचे थे, परिवार से मिले, परिवार से मिलकर संतावना दी। इसके बाद नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बिहार सरकार में जो नीतीश सरकार व्याप्त है, CM की कुर्सी पर बैठे हुए हैं और सरकारी अराजकता फैली हुई है बिहार में, इसको लेकर के नीतीश सरकार को जमकर कोसा और कोसने के साथ ही नीतीश कुमार से उन्होंने इस्तीफा मांग लिया है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष जो है वो पब्लिसिटी कर रहा है, उनके नेता लोग कह रहे हैं कि आपसी रंजिश है। एक तरफा गोली चलाई गई है, एक तरफा कुकरी चलाई गई है, और जो फौजी एक BSF जवान की हत्या हुई है ये मामूली बात नहीं है। इसलिए हम सब लोग यहाँ आए हैं, इनको न्याय मिले। और जब तक यहाँ के DSP और SP रहेंगे तब तक इन परिवार को जो है न्याय नहीं मिलेगा। होली के बाद घटना, होली में भी इन लोगों ने SP को फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाया गया। उसके बाद जो है कोई सुरक्षा इनके परिवार को नहीं दी गई है, और कुर्की जब्ती खाली जो है नाम पे जो है किया जा रहा है। सुनने में तो आ रहा है कि पुलिस जो है वो प्रवीण को तो छोड़ने नेपाल गई है, प्रवीण को छोड़ने गई है नेपाल। अब यहाँ पूरा परिवार यहाँ डरा है। एक ही घर की तीन महिलाएं विधवा हुई हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। आप बताइए इनको न्याय कैसे मिलेगा? जो लोग संरक्षण देने का काम कर रहे हैं वही लोग जांच कर रहे हैं, तो न्याय कहाँ से मिलेगा? और यहाँ जो भी IG वगैरह मुख्यमंत्री कहते हैं, DGP से बात करते हैं, उनका एक भी बार ये पुलिस का अधिकारी जो यहाँ नहीं आया। खुद ये कह रहे हैं कि बयान TV में दे रहे हैं कि हम जा करके परिवार के लोगों से मिले, IG, और IG आए ही नहीं यहाँ परिवार से मिलने। ये तो ब्यूरोक्रेसी की भी हद हो गई। मुख्यमंत्री थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा। गृह डिपार्टमेंट, आज हम सुने मुख्यमंत्री का बयान कि बोलते कि क्राइम कंट्रोल करना पुलिस का जिम्मा है। हमको लगा कि भाई पुलिस महकमा जो है वो नीतीश कुमार जी गृह मंत्री हैं, उनके जिम्मेदारी है, लेकिन अब पता चला कोरिया के जो किम जॉन हैं उनकी जिम्मेवारी है। ये स्थिति बनी हुई है, क्या हो रहा है यहाँ? कोई नैतिकता के आधार पे? अरे भाई, आप मुख्यमंत्री चोर दरवाजे से बन गए मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री वाला काम तो कीजिए। आप आइए, इस परिवार से मिलिए, आंसू पोछिए, सहारा बनिए, इनको विश्वास दिलाइए इस परिवार को कि आगे से ऐसी कोई घटना नहीं होगी, आपको सुरक्षा हम देंगे, और जो दोषी है उसको घसीट करके सलाखों के पीछे जो है वो डालेंगे, नहीं तो फांसी की सजा हम देंगे। ये मुख्यमंत्री का काम है, मुख्यमंत्री अधिकारी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। PayTM नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।